कागज में या देखने में राष्ट्रपति है, वास्तविक रूप से राष्ट्रपति है ही नहीं है। जो नई संसद है उसका नाम बाबा साहब के नाम से कर दिया जाए, तो ये इंडिकेशन है कि लगता है कि भारत अब आज़ाद हो रहा है और सिंगोल मोदी जी को सौंपा जा रहा है। एक मैसेज ये भी है, दूसरा यह भी है जो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसी बहस में क्यों हम जाएं, बहस को डाइवर्ट करके जान के राष्ट्रपति का हक मारने के लिए सिंगोल को ले आए हैं। मेरे साथ बहुजन नेता, कांग्रेस के नेता और SC/ST/OBC मुद्दों पर इंटेलेक्चुअल डॉक्टर उदित राज हैं, जो लगातार बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए काम करते रहते हैं। इनका साफ साफ मानना है कि वोट से ज्यादा संवैधानिक अधिकारों के लिए बहुजन समाज को सचेत रहना चाहिए। अब मामला नया संसद का है, लगातार अभियान चला रहे हैं कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर हो। वहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पूरा अपोजिशन जो है वो संसद के उद्घाटन को खिलाफ है, लेकिन मीडिया कह रही है कि वो नए संसद के खिलाफ है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? आप लोग कह रहे हैं कि हम उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति से कराना चाहते हैं जो पहली नागरिक हैं। टीवी अखबार कह रहा है कि नहीं नहीं, ये लोग नया संसद का विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोग संसद का विरोध कर रहे हैं या संसद के उद्घाटन करने का विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा? उद्घाटन का विरोध किया जा रहा है, और जब कोविंद जी को और मुर्मू जी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो दलित आदिवासी को न्याय दिया, सम्मान दिया, और यह कहकर के वोट तो ले लिया। अब इनको राष्ट्रपति बना तो दिया है, लेकिन कागज में या देखने में राष्ट्रपति हैं, वास्तविक रूप से राष्ट्रपति है ही नहीं है। इसलिए कि इनकी किससे मिले जो विजिटर होते हैं उसकी भी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं। तो इस तरह से एक आदिवासी समाज का अपमान है, एक महिला का अपमान है, और जो डेमोक्रेसी हो और कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हुआ है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति हेड में स्टेट के अंदर ही विपक्ष आता है। अब मोदी जी अब विपक्ष को मजबूर कर दिया को बहिष्कार करें, इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि दावत तो या निमंत्रण ऐसे मुद्दे पर राष्ट्रपति के द्वारा ही जाना चाहिए, नहीं किया जा रहा है। तो ये संविधान के ऊपर बहुत गहरी चोट है, और 20 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। बहुत अच्छा किया, और हम लोग तो बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं कि मोदी जी कल को उद्घाटन करने जा रहे हैं, बाबा साहब के नाम से उद्घाटन कर दें, अर्थात जो नई संसद है उसका नाम बाबा साहब के नाम से कर दिया जाए, और परिसंघ 10 दिसंबर 2020 को जिस दिन शिलान्यास करने गए थे मोदी जी, तभी डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, कोविड था और भयंकर बीमारी थी, लोग डरे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, जान हथेली पर हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, मांग किया। उसके बाद में तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हम लोग, रैली भी किया, और तेलंगाना में हमें सपोर्ट भी मिला, वहाँ की विधानसभा ने विशेष सत्र बुला करके यह प्रस्ताव पास किया, मोदी सरकार को भेजा कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हो। एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि एक उपलब्धि हमारी हुई कि अगर हम न डिमांड किए होते वो, तो हो सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस कर देते, अटल पार्लियामेंट हाउस कर सकते थे, SP मुखर्जी पार्लियामेंट हाउस कर सकते थे, ऐसी इनकी सोच थी। उसमें तो रोकने में हम कामयाब हुए, और हम चाहते हैं कि समाज समर्थन दे, आवश्यक समर्थन नहीं मिला है। एक जिस तरह से एक आंदोलन बनता है ऐसा नहीं बन पा रहा कि आज नहीं तो कल, 6 महीने साल 2 साल, ये लंबी लड़ाई है नाम बाबा साहब। लेकिन आप तो फायदे का रास्ता बता रहे बीजेपी को, अगर बीजेपी बाबा साहब के नाम पर संसद का नाम रख देती है तो उससे तो उसके फायदे होंगे। हाँ, हमें भी फायदा होगा, हमारे
महापुरुष का नाम पूरी दुनिया में जाएगा और संसद फायदा दे के फायदा ले ले, हमें क्या क्षति है, आरक्षण हमें दे दें हमें क्या क्षति है, और हमें कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी बना दे हमें से फायदा ले, मतलब हमें अधिकार और सम्मान मिल जाए बस, और क्या कोई जाति लड़ाई है, हम लोग जातिवादी। लेकिन वो कह रहे हैं, उस पर आऊंगा मैं फिर, एक 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 दो सवाल मैं पॉलिटिकल भी लूंगा आपसे, जो नया सिंबल आया है उस पर भी सांड बना हुआ है, सम्राट अशोक का जो केस खुदाई से जो मिला है सम्राट, उस पर भी एक सांड की तस्वीर है जो राष्ट्रपति भवन में है, एक तो वो है, उसके बाद जो आसन के ऊपर जो लोकसभा स्पीकर के और विधानसभा लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर के सामने जो लगा है वो भी अशोक चक्र लगा है, मोदी जी ने ऊपर भी जो अशोक स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया है, तो वो कहाँ संविधान से डिफर कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि सिंगोल तो एक बहाना है, उसके ऊपर भी देखिए वो नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नंदिनी है, कुछ लोग कह रहे हैं सांड है, प्रकृति जो फोटो है जो जो राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है जो रामपुरवा में खुदाई में मिला। देखिए मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, इन्होंने पेच फंसाया कि एक आदिवासी राष्ट्रपति को अवसर न मिले, एक नया सिगुफा छोड़ दिया है सिंगोल, सिंगोल ये 20 साल से सत्ता में है कुल मिलाकर, इन्हें क्यों नहीं सिंगोल याद आया? तो लेकिन इस समय अगर बहुजन समाज पार्टी मैदान में होती एक ताकत है, तो ये जो इस तरह से सेकुलरिज्म का जनाजा निकल रहा है, जिस तरह से वहाँ पुरोहितगिरी हो रही है, शायद उस पर विराम बन सकता है, चूँकि वो पुरोहितगिरी के से अलग हट करके वो अपनी पार्टी बनाए। देखिए वो राजभर ने कहा है, बहन जी ने कहा कि जो लोग जो सत्ता में होते हैं वो अपना बनाते हैं और वो अपने तरीके से चलाते हैं, सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए बहुजन समाज को। तो इसके मतलब है कि सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपको अधिकार, इसके मतलब जो अतीत में अत्याचार हुए हैं वो ठीक था, जो सत्ता में है वो करता है जैसा चाहे, यानी संविधान उनके लिए कुछ नहीं। नीतीश जी ने कहा है कि ये जो जो नए संसद की जो पुराना वाला संसद था उसको ठीक किया जा सकता था, और अगर हम लोग सत्ता में आए तो नए संसद में फेरबदल करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, एक बात है। दूसरा है कि पुराना संसद इतना भव्य दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, उसके सामने ये क्या है, इनकी जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो भी नहीं ये उसको कार्व आउट कर पाए, बना पाए, जो सुंदरता उसमें है इसमें वो चीज़ दिखती। आपको क्या उद्देश्य लगता है नए संसद का? मोदी अपना इतिहास, आरएसएस अपना इतिहास, पुराना जितना इतिहास है, आज़ादी का, आज़ादी के बाद का इतिहास है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये नया संसद देश की ज़रूरत है, नया भारत नया संसद। देखिए ऐसा है कि कोविड के टाइम में इसको बनाना शुरू किया, जब जनता इस देश की तराई तराई कर रही थी, रोटी के लिए मोहताज थी, दवा के लिए मोहताज थी, और इलाज नहीं हो पा रहा था, ऐसी समय में हम लोगों ने इसका विरोध किया था। वो कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू महामहिम, जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनके हाथ तो उद्घाटन हो, कह रहे हैं कि हम ही हमारे कार्यकाल में वो राष्ट्रपति बनी, इससे पहले शेड्यूल कास्ट से राष्ट्रपति हुए, ट्राइबल राष्ट्रपति हुए। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग, अभी छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा बना था, सोनिया जी, राहुल जी और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, वहां तो राज्यपाल को नहीं बुलाया आप लोगों ने, ट्राइबल राज्यपाल थी वहां अनुसुईया उइके, हेड एक ही है भारत, और संसद की तुलना न एनेक्सिस हो सकता, न लाइब्रेरी हो सकता, न विधानसभा से हो सकता। अगर ये लॉजिक दिया जाए तो तमाम संस्थाएं अटल के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, तमाम इमारतें, तमाम बिल्डिंगें किस हैसियत से करी जा रही है? विधानसभा की पर विधानसभा का उद्घाटन तो गवर्नर से करवाना चाहिए था ना? नहीं देखिए ऐसा, आप इसकी तुलना विधानसभा से क्यों कर रहे हैं? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अमित शाह कह रहे हैं। नहीं नहीं, अमित शाह गलत कह रहे हैं, उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये संसद संसद में सब समाहित है,
कभी ये लाइब्रेरी से तुलना कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी ने लाइब्रेरी स्थापित किया, एनेक्सी का उद्घाटन किया था तो राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का किया था। अरे संसद की गर्मी में संसद। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश की बहुसंख्यक आबादी का हक अधिकार संविधान में सुरक्षित है, डेमोक्रेसी में सुरक्षित है? क्या आप लोगों पर जो आरोप लग रहा है, मैं कांग्रेस नेता के तौर पर पूछ रहा हूँ कि आप लोग संविधान और संसद को नहीं मानना चाहते? संविधान और संसद वो नहीं मान रहे हैं, हम तो मान ही रहे, वो नहीं मान रहे। और जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये मोदी जी की स्टाइल है। भ्रष्ट तो खुद है, अडानी के ऊपर मुंह नहीं खोल रहे हैं, पूरे विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये यही आज तक 9 साल तक किया है, झूठ ही बोलते हैं। यूनिटी का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? जो विपक्षी दल जो लगातार उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष से टाइम मांग रहे हैं, और तमाम KCR हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, तमाम दल जो जुट हो रहे हैं, क्या लग रहा है? 2024 में अखिलेश ने तो कह दिया, अखिलेश यादव ने, कि ये जो सिंगोल है ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, मतलब उनका सत्ता जो है वो कह रहे हैं कि 10 साल नहीं, 10 साल मत कहिए कि 10 साल होने जा रहा है, ये अंतिम साल है बीजेपी का। वो तो इतना कॉन्फिडेंस में, आप तो कह दिए कि 80 सीट जीतेंगे। देखिए ऐसा है, दो चीज़ें हैं, एक तो ये इंडिकेशन है कि लगता है कि भारत अब आज़ाद हो रहा है और सिंगोल मोदी जी को सौंपा जा रहा है, एक मैसेज ये भी है। दूसरा ये भी है जो अखिलेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसी बहस में क्यों हम जाएं, बहस को डाइवर्ट करके जान के राष्ट्रपति का हक मारने के लिए सिंगोल को ले आए हैं, हम क्यों चर्चा करें इसके ऊपर? राष्ट्रपति को अधिकार है, वो करना चाहिए, वो पूरे बहस को डाइवर्ट कर दिया, हम नहीं हो डाइवर्ट होंगे। तो डॉक्टर उदित राज ने एक मुहिम तो छेड़ ही दी है देश में, और सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि बहुजनों की मीडिया ही सोशल मीडिया है, टीवी अखबार भले ना दिखा रहा हो लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि नए संसद भवन के नाम भारत के राष्ट्र निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर क्यों ना हो। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।